सो रही थी देख ली, कस्टमर और पब्लिक सो रही थी, सो के लेट भी थी, बट और मैं तुम्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं करता, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, वरना जरूर इन्फॉर्म करता। कि पोस्टर हर जगह लगे, कब तक छुपा था और अर्शी से क्यों छुपा? मैं शूटिंग नहीं चल रही थी, वो रेगुलरली परफॉर्म करती रहती है, हम चले निकलना चाहिए। आपने इतने बड़े ब्रांड के लिए नए फेस को कास्ट किया, तो आपने एक नए फेस को क्यों कास्ट किया? क्या पूछा था आपने? देखिए आप जानते नहीं है, अर्शी मुखर्जी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ये सब मॉडलिंग को करके छोड़ भी चुकी है। आपने पूछा था अनिरुद्ध से कि अर्शी मुखर्जी अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, जॉर्ज अनिरुद्ध जी ने कहा कि अर्शी जी बिजी है। लुक चांदी टॉली, यहाँ पे लेट क्यों हो रहा है? शॉट रेडी नहीं है क्या? आइए क्या टाइमिंग है, जॉर्ज आइए प्लीज आइए। लोगों को लगता कि मैं अपने पावर यूज़ कर रहा हूँ, अपनी पोजिशन को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने चाहता कि ये छोटे रोल्स करे। वो लोग अच्छी को कास्ट करना चाहते हैं, तो तुमने बताया आदि अच्छी कुछ दिनों में मेरी दुनिया हो जाएगी, और ये बात कंपनी में सबसे बात है। अगर अर्शी ने इसमें हिस्सा लिया कोई शूटिंग नहीं थी। ये परफॉर्म करती है रेगुलरली, हमें चलना चाहिए, चलो लेट्स लीव निकलते हैं। आपने इतना बड़ा कैंपेन, एक नया फेस चूज किया, कैसा चल रहा है? कैंपेन तो वाकई बहुत बड़ा है, कैंपेन और ब्रांड के लिए एक नए फेस को चूज किया, कैसा चल रहा है? कैंपेन तो बड़ा ही है, आप देखिए ना, आप आई हमारे लिए बहुत बड़ी है। एक नए एक्टर को चूज किया।